पीडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने लिए वोट मांगने पहुंचे गम्हरिया। मधेपुरा विधानसभा के गम्हरिया स्थित महंत हरिहर उच्च विद्यालय रानी पोखर के खेल मैदान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। तकनी छपरा किया, तकनी नालंदा किया, तकनी पदवी किया। हम लोग बोलो ना, पटना में बाढ़ आवे से 15 लाख लोग जाके आके तकनी नीतीश ने किया। 18 जिला में बाढ़ आए, अकेला मूल्य पर ओटेक पर 2 महीना 32 लाख लोग जाके लेके 32 लाख पटना लौट के नहीं गई। सुहरा के लोग का बाढ़ आए हैं, हम लोग एक घर गए हैं। बार बार के बाद चिमकी बुखार एक एक परिवार के मुजफ्फरपुर में बचे। पटना में बाढ़ 19 दिन घर में गई, फिर कोरोना वायरस 8 महीना घर में गई। हमें जीत नहीं रहा नहीं, हमें तब कुमराव से कह रहे लोग कि पप्पू कुमरा, पप्पू पटना, पप्पू का मतलब पटना। हमें वहां एक छोट घर बची, छोट घर का चुनाव हमें सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जीवन में अपन बेटा का मत खो दे, कभी कोई नहीं मिले। 9 तारीख के बाद घर पर हेलीकॉप्टर आएंगे। 9 तारीख के बाद पूरा 3 महीना लॉकडाउन है, पूरा बिहार में खाना नहीं है, पूरा बिहार कोई कह दिया जब अपना घर पर खाना नहीं पहुंच रहा। एक आदमी पटना में कोई गरीब, कोई खोचा, कोई टोला, शहर का कोई, हम दिल्ली में पूरा लोग ही हैं। कहिया तू अपन बेटा से बढ़ा, थोड़ा बेटा में काबिलियत नहीं छे बिहार के मुख्यमंत्री बने के। हमें चुनाव लड़े ले नहीं गए, हम MLA बने ले नहीं गए। MLA जब पूरा बिहार में 170 जगह हम ले रहे थे, हम कथों से ले रहे थे, कोई टेक्निकल कारण रहे हम नॉमिनेशन नहीं दिया सके, पूरा सरकार घेर रहे थे, सिर्फ हम पैच में ले गए। यदि तुम्हार रियल में पप्पू बेटा और तुम्हार भाई छा, पूरा लागे छा कि तुम्हार जीवन के टुकड़ा पप्पू छा और तू हमारे दिल के टुकड़ा छो। हम यहाँ कहब मधेपुरा एक लीडर का पैदा करो, मधेपुरा मेला और एमपी पैदा। ये है कोसी टाइम्स न्यूज नेटवर्क।